बड़ी खबर के साथ लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। ओपी राजभर का बड़ा बयान, खरमास के बाद बनूंगा मंत्री। ओपी राजभर की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। अमित शाह से मुलाकात के बाद ये दावा, तो जेपी नड्डा से भी मिले ओपी राजभर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो खरमास के बाद बनूंगा मंत्री, ये बड़ा दावा ओपी राजभर ने किया। और देखिए मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी सामने आई है। तो 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की अटकलें चल रही, लेकिन ये इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच अमित शाह से राजभर की मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया, तो खरमास के बाद मंत्री बनने का दावा किया। प्रकाश राजभर है, लगातार ओम प्रकाश राजभर को लेकर चर्चा गर्म रहती है कि मंत्रिमंडल में कब शामिल होंगे। आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जेपी नड्डा जी से मुलाकात की और अमित शाह जी से मुलाकात की, कुछ बात तय हो गई अब? देखिए बात तो बहुत पहले तय हो चुकी है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन सरकार में शामिल होना है। रही बात की समय का इंतजार था, तो आप लोगों को भी चिंता ज्यादा हो गई राजभर की, तो राजभर ने सोचा कि अब इस पे थोड़ा हम भी पहल कर दें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला तो उन्होंने कहा कि अब हम भी प्रयास करते हैं, अभी दिल्ली मिल लो। तो फिर मैं माननीय जेपी नड्डा जी से मिला और माननीय गृह मंत्री जी से मिला, तो एक ही बात तीनों जगह, एक समस्या जो भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव, हाई कोर्ट का आदेश है कि इनको प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली भेज दे। तब वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 जिलों का सर्वे हुआ, सर्वे रिपोर्ट आ गई, वो शोध संस्थान को गया है, तो शोध संस्थान में ढिलाई हो रही है एक तरह से। तो उस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई, माननीय जेपी नड्डा जी से भी चर्चा हुई, माननीय गृह मंत्री जी से भी चर्चा हुई और मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेके उन्होंने कहा कि खरमास बाद उसका हम करवा देते हैं। चिंता विपक्ष को बहुत ज्यादा है, वो तारीख जानना चाहता था, कोई डेट भी डिसाइड हुई क्या? तारीख नहीं, खरवा चूंकि अलग अलग धर्मों के अलग अलग मानने वाले लोग हैं ना, तो खरवास को मानने वाले लोग खरवास के बाद अपना शुभ काम करना चाहते हैं, तो किसी भी दिन खरवास के बाद हो सकता है। एक महत्वपूर्ण सवाल के, अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ गया, सीटों को लेकर भी कोई मंथन हुआ कि कितनी सीटें जो है ओम प्रकाश राजभर को सहयोगी दल के तौर पर मिलेंगी उत्तर प्रदेश में? नहीं, सीट पर कोई सवाल नहीं, सीट पर कोई सवाल नहीं, वो जब चुनाव का बिगुल बजेगा, सीटों के बंटवारे की बैठक होगी, तब उस पर चर्चा होगी। आपने कोई प्रस्ताव बनाया हो कि कितनी सीटों पर आप तैयारी कर रहे हैं जो आप जो है पार्टी के सामने रखना चाहते हो? तैयारी तो हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, बिहार की 40 पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम एनडीए के लोग हैं और सभी लोग जब सीट बंटवारा होगी जो जिसको मिलेगा वो लड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी जो एनडीए का घटक दल है उनमें सीटों को लेकर सहमति लगातार बनी हुई है, लोग कह रहे हैं कि जितनी सीटें आपस में सामंजस्य बनेगा लड़ेंगे चुनाव, लेकिन विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें खींचतान अभी भी जारी है। वो कभी एकजुट नहीं रह सकते, वो अलग अलग विचार के लोग हैं और उनमें भी बहुत से लोग हैं जो भाजपा का सहयोग करने के लिए आतुर हैं। और कल मैं तो चला गया, लोगों को इच्छा थी कि चले साथ में, हमने कहा पूछ लेंगे तो बताएंगे। और कुछ दल तो खुल करके समर्थन कर रहे हैं भाजपा का, अब जैसे सपा को ले लीजिए यूपी में, तो अखिलेश यादव जी के इशारे पर मौर्या जी क्या बोल रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं, भाजपा की ना मदद कर रहे हैं, और वो खुद जाके मध्य प्रदेश में कहें कि कांग्रेस को कभी वोट मत देना, उन्होंने खुद कहा ना, वोट किसको देने का इशारा किया अब आप समझ लीजिए। अच्छा, स्वरूप शायद मौर्या से कभी नाराज होते हैं अखिलेश यादव और कभी उनकी तारीफ बताते हैं, बहुत बड़ा नेता बताते हैं, अभी कुछ दिनों पहले जो है वो अखिलेश यादव ने कह दिया कि उनके बयान से उनका कोई मतलब नहीं है, किस तरह की रणनीति है ये समाजवादी पार्टी? देखिए अब ये बात अगर अखिलेश जी कह रहे हैं तो मैं तो नहीं मानता, तरुका पत्ता एक नहीं हिलता, मालिक वो है, मालिक की मर्जी से सब कुछ होता है और वो जो कुछ भी हो रहा है वो अखिलेश जी के इशारे पर हो रहा है। जो भी हो रहा है अखिलेश यादव के इशारे पर हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर का यह कहना है कि उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हुई और माना जा रहा है कि खरवास के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें ओम प्रकाश राजभर को जगह मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर ने पहले मुख्यमंत्री, उसके बाद जेपी नड्डा और उसके बाद अमित शाह से मुलाकात की। भारतीय समाज पार्टी कहां खड़ी होगी? लखनऊ से उड़ने सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।